हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एंड कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये पिक्चर्स अपने आप में बता रही हैं कि गाड़ी जो है वो डीलर यार्ड तक पहुंच चुकी है, क्योंकि डीलर यार्ड में आप देख पा रहे होंगे कि और भी महिंद्रा की काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और जिससे ये पता चलता है कि स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग का कार्य जो है वो प्रगति पर है और 27th को ये हमारे बीच में आ जाने वाली है। बुकिंग्स का अभी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि बुकिंग्स अभी ओपन नहीं हुई हैं। रियर लुक्स की अगर बात करें तो इस तरीके से दिखाई देती है। बैक साइड का प्रोफाइल जो अब तक नहीं सामने आया था वो भी इस पिक्चर में अभी आप देख पा रहे होंगे। और डायमेंशनली अगर देखें गाड़ी को तो ये सफारी के आसपास की गाड़ी है, और स्कॉर्पियो जो करंट वाली स्कॉर्पियो है उससे हाइट में ये छोटी है, और स्कॉर्पियो जो है वो सब में हाइट में बड़ी है। तो उसका एक रीज़न कम करने का, हाइट को कम करने का रीज़न है ताकि बॉडी रोल वगैरह को ख़त्म किया जा सके। सो इंटीरियर बहुत ही कमाल के हैं, लाजवाब इंफोटेनमेंट सिस्टम, और गाड़ी का अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना रियली ऑसम है। टैन और ब्लैक कलर का जो इंटीरियर की स्कीम है दैट इज़ रियली ऑसम, और उसमें भी चार चांद लगा देगा सोनी का। 12 स्पीकर इंक्लूडिंग और ट्विटर वगैरह इसमें सब कुछ मिलेगा। सो 12 स्पीकर्स का जो ऑसम वाला एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, ये बहुत तगड़ी हाईलाइट है। और काफ़ी सिल्वर का जो है ना, सिल्वर के जो एलिमेंट्स हैं काफ़ी यूज़ किए गए हैं। हाँ, इंटीरियर में मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो है सेंटर कंसोल के जस्ट ऊपर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसका साइज़। वो यार थोड़ा छोटा छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ के लिए ये बिग बताया जा रहा था उसके हिसाब से साइज़ जो है इंफोटेनमेंट का सिस्टम का वो छोटा है। हाँ, फीचर वाइज इट इज़ ओकेश, एंड सब कुछ सारी सपोर्ट एलेक्सा वगैरह का सपोर्ट भी इसमें मिल जाएगा, बट उतना काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। 10 इंच कम से कम इसमें सिस्टम की स्क्रीन चाहिए थी। बाकी सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह सब यहाँ पे मिलेंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखें तो स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर दोनों एनालॉग टाइप के हैं, और दोनों के बीच में एमआईडी की जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है लाइक टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर में मिल जाएंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसमें भी मिलती है। एन ब्राउन और ब्लैक कलर के साथ सिल्वर का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है, जैसे कि आप एसी के डक्ट जो है वहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, और जो सेंटर कंसोल है उसके सराउंडिंग में भी आप सिल्वर का यूज़ देख पा रहे होंगे, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसके अलावा देखो, पावर मोड की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको 4 मोड्स ऑफ पावर मिलने वाले हैं, जिससे आपकी जो शिकायत थी ना कि जो 4x4 नहीं मिलता, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में ही 4x4 मिलने वाला है इसमें। सो जो स्कॉर्पियो के लवर हैं उनकी एक ही डिमांड थी कि यार इसमें 4 व्हील ड्राइव होनी चाहिए। महिंद्रा ने भी इस पर काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और मार्केट की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये लेके आ गई। सो आई नो अगर आप इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी, बट 27th तक आपको रुकना पड़ेगा, और उसके बीच में जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप ही को वो मिले। इसके अलावा भी स्कॉर्पियो में कुछ ऐसे फीचर्स एड ऑन हो चुके हैं जो अब तक स्कॉर्पियो में नहीं थे, जैसे कि ये ड्यूल जोन जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। आप ड्यूल जोन मतलब ड्राइवर साइड में अलग टेम्परेचर, को ड्राइवर साइड में अलग टेम्परेचर, दोनों को अपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।